दोस्तों, अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है और आप यह जानना चाहते हो कि आपकी वाईफाई से कितने लोग कनेक्ट हैं, जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अपने घर में वाईफाई लगवाए हो तो आप यह ज़रूर जानना चाहते होंगे कि दोस्तों हमारे वाईफाई से कितने लोग कनेक्ट हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे वाईफाई का पासवर्ड हमारे अगल बगल के लोग जान गए हैं और वो भी हमारे वाईफाई से जुड़कर अपने मोबाइल को चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल में यह पता कर सकते हैं कि आपके वाईफाई से कितने लोग जुड़े हुए हैं। चाहे आपके पास जियो फाइबर है, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर है या कोई भी वाईफाई है और आप यह पता करना चाहते हो कि आपके वाईफाई से कितने डिवाइस, कितने टीवी कनेक्ट होकर चल रही है, तो सिंपल सा स्टेप आपको करना है और पता चल जाएगा। तो क्या करना है उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग कैसे पता लगाओगे। सबसे पहले आप लोगों को अपने फोन के प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है जिसका नाम है फिंग, FING। छोटा सा एप्लीकेशन है, फिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ओपन करना है। जैसे दोस्तों ओपन करेंगे, एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर इनेबल लोकेशन का ऑप्शन आएगा, इनेबल लोकेशन पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से इनेबल लोकेशन कर देना है और परमिशन को दे देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको दो तरह का ऑप्शन आएगा, एक सिंग मी और एक आई एल थिंक अबाउट इट। आपको आई एल थिंक अबाउट इट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने फ़ोन को वाईफाई से जोड़ना होगा, यानी कि जो भी आपका वाईफाई है उससे आपको कनेक्ट रहना है, उसके बाद ही यह सब काम करना है। उसके बाद में यहां पर आपको मेवे लेटर का ऑप्शन आएगा, बस इस मेवे लेटर पे आपको क्लिक करना है। आपका जो भी वाईफाई का नेम होगा यहां पर ऑटोमेटिक यहां पर शो हो जाएगा। अब आपको यहां पर लिखा हुआ है स्कैन करंट नेटवर्क, इसके ऊपर में बस क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही इसके ऊपर में क्लिक करोगे ना, आपके वाईफाई से जितने भी लोग कनेक्ट होंगे ना, उनकी पूरी यहां पर चिट्ठी यानी कि पूरा यहां पर लिस्ट खुलकर आ जाएगी। देखो यह आपका वाईफाई होगा, यहां पर कौन सा फोन कनेक्ट है। तो मेरे वाईफाई से रेडमी नोट 10, रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 9, वीवो 2250, यानी कि चार हैंडसेट हमारे वाईफाई से कनेक्ट हैं। यहां पे रिफ्रेश है, इसको रिफ्रेश भी कर आप देख सकते हो कि रिफ्रेश करने पर क्या उतना ही आता है या ज्यादा आता है। अगर उतना ही आता है, देखो यहां पर एक मोबाइल और बढ़ गया इसका नाम है गैलेक्सी M12। तो इस तरीके से आप रिफ्रेश कर भी देख सकते हो। अगर इसमें आपका ही घर का सारा फोन है तब तो ठीक है, अगर लगता है कि नहीं यह फोन हमारे घर में नहीं है, कोई बगल वाला हमारा यूज कर रहा है, तो आप अपने वाईफाई के पासवर्ड को चेंज कर लेना। उसके बाद जो भी आपके साइड से जुड़े हुए हैं उनका इंटरनेट कट जाएगा। तो वाईफाई का पासवर्ड कैसे चेंज करना है उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को यार लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।